बिहार में 15 मार्च को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। अब इस विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों का एक गुट नाराज हो गया है। बीते रविवार की रात बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर नाराज विधायकों की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बैठक वो भी बीजेपी में हुई है। इसको लेकर सियासी गलियारे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सर, रविवार रात आपके आवास पर एक बैठक हुई थी बीजेपी विधायकों की। इस बैठक से जब बाहर निकले बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव, तो उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी कोटे से विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है, यह ठीक नहीं है। सो सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें विधान पार्षदों को ज़्यादा मौका दिया गया बीजेपी कोटे से, यह गलत है। सो 15 मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, जिसमें 6 विधान पार्षद हैं। इतने विधान पार्षदों को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग नाराज हैं, इसलिए बैठक हुई थी? देखिए, सबसे पहली बात कि बैठक कोई बैठक नहीं थी। मैं जब भी पटना में रहता हूँ तो मोस्टली हर महीने एक बार हम लोग 2-4-10 विधायक लोग एक साथ बैठते हैं, और उसी में लोग, कल होली का समय आ गया है, 2-4-5 दिन बाद होली है, एक तरह से होली मिलन समारोह करके अपने कुछ विधायकों के साथ हम लोग बैठे थे। और मिश्री लाल जी हमारे साथ विधायक रहे हैं, VIP से विधायक रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही बैकग्राउंड से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में विलय के सवाल आई थी, उसमें मिश्री लाल जी मेरे साथ आए थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार पार्टी बनकर के उभरी थी। तो जहाँ तक सवाल है मिश्री लाल जी क्या बता रहे थे कि लोगों में आक्रोश है, ये मैं नहीं बता सकता आक्रोश क्या है। हाँ, ये जरूर मैंने सुना, उनके द्वारा जो कही गई बात सुनी, मुझे आश्चर्य लगा कैसे वो किस समय आ गए आकर के अपनी बातों को रख गए, हम लोग को नहीं पता है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। हम लोग विशेष करके सब विधायक आपस में बैठ करके हमेशा बैठते हैं, 1-2 महीने पर एक बार बैठते हैं, राय विचार करते हैं। और अभी तो होली का समय था, इसलिए होली मिलन समारोह के लिए बैठे थे। कहीं कोई नाराजगी नहीं? नहीं, ऐसी अगर कोई नाराजगी भी होगी, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपके सामने थोड़े ही बोलेंगे। हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पर, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी पार्टी है और अपनी पार्टी के लिए हमेशा हम लोग कार्यरत रहेंगे। ऐसी कोई बात होगी तो अपने प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार राजू सिंह के आवास पर MLA मिश्री लाल यादव, ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानू समेत कुछ और विधायकों के भी बैठक में शामिल होने की खबर है। बैठक के साथ ही भोजन भी हुआ है। आवास से निकलने के बाद बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना विरोध जताया। इसकी वजह बताई गई है कि विधायकों की अनदेखी कर MLC को मंत्री बनाया गया है। विधायकों की संख्या 15 में 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 MLC हैं, जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है, बस यही जानते हैं। आज बैठक में क्या चर्चा हुई? बैठक में हम अभी तुरंत आए हैं और हमको राजू जी बुलाए थे, खाना खाया, विदा हो गए। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं जानते। आपने अपनी बात रखी वहाँ पे? हम तो आए और मतलब खाना खाया और विदा हो गए। विस्तार में और लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी मंत्रिमंडल विस्तार में? अब ये बात तो मतलब मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस बार विधान परिषद से जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनमें हरी सहनी, मंगल पांडे, संतोष कुमार सिंह, दिलीप जायसवाल और जनक राम जैसे नाम शामिल हैं। नाराज होने वाले खेमे में VIP से BJP में आने वाले विधायक शामिल हैं। शुक्रवार को 21 मंत्रियों ने शपथ ली है, इसमें से 12 BJP से हैं, तो वहीं 9 JDU से थे। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों के खेमे में नाराजगी है। रविवार की रात साहिबगंज से बीजेपी MLA राजू सिंह के इसी सरकारी आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें राजू सिंह खुद मौजूद थे, बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव भी डिनर पार्टी में आए थे, साथ में बीजेपी के कुछ और विधायक पहुँचे थे। डिनर के बाद एक बैठक का भी जो है वो आयोजन किया गया था। दरअसल कैबिनेट विस्तार में विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है, इससे इन बीजेपी विधायकों में नाराजगी है। बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्री हैं बिहार सरकार में, जिसमें 6 विधान पार्षद हैं, इसलिए यह विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार गठन में विधायकों की अहम भूमिका होती है, फिर क्यों बीजेपी कोटे से 6-6 विधान पार्षद मंत्री बनाए गए।
तो इसी को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मिश्री लाल यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना विरोध जताया है, वहीं राजू सिंह कैमरे पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से डिनर व बैठक हुई, इससे बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजू सिंह मिश्री लाल यादव मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से बीजेपी में आए थे। वहीं मिश्री लाल यादव वही विधायक हैं जो विधानसभा 12 फरवरी को नहीं पहुंचे थे, जब नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना था। वहीं जिस तरह से बैठक हुई है, इससे बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।